morning, my dear friends. My name is Shanawas Sefi, and today we are going to teach you a second part of tense, which we have already discussed the part one yesterday. I told you that we will discuss about the new topic, that is, you know, that point of time and the time expression. तो आप सबका स्वागत है चौक एंड डस्टर अकेडमी पे, और मैं शाहनवाज आज लेके आया हूँ आपके लिए टेंस का पार्ट टू। और ना बिना किसी देरी के हम अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट से पहले मैं आपको हल्का सा ब्रीफिंग बता देता हूँ। हल्के से ब्रीफिंग में आपको मैं ओरली ही बता देता हूँ कि आप लोगों को पता है कि टेंस जो है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिसमें सबसे पहले आता है माय डियर टाइम, दूसरे नंबर पर एडवर्ब, और तीसरे नंबर पर आता है एक्शन। और हम अभी सिर्फ टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं, और टाइम के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि टाइम इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और इसकी जो हर कैटेगरी है वो डिवाइडेड है फोर सब पार्ट में, जिसको हम कहते हैं इंडेफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और माय डियर सिंपल कॉन्टिन्यूस। और कल हम ये पढ़ चुके थे माय डियर कि माय डियर टाइम कितने पार्ट में होता है, तीन पार्ट में डिवाइड होता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और इन तीनों के ही चार पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था इंडेफिनिट, सेकंड नंबर पर मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूस, थर्ड नंबर पर मैंने आपको बताया था परफेक्ट, और फोर्थ नंबर पर मैंने आपको बताया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और मैंने आपको हल्का सा ब्रीफ ये बताया था कि ये जो डिपेंड करते हैं माय डियर, ये दोनों ही टेंस जो है डिपेंड करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। और माय डियर ये दोनों जो परफेक्ट टेंस हैं ये डिपेंड करते हैं टाइम एक्सप्रेशन के ऊपर। और लास्ट क्लास जो हमने ड्रॉप की थी वो इसी पॉइंट पर हमने ड्रॉप की थी कि व्हाट इज टाइम एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज पॉइंट ऑफ टाइम। So today we are going to discuss the major part, that is point of time and time expression. इन दो पार्ट के बारे में हम बात करेंगे कि ये दोनों क्या पार्ट होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। दुनिया की ग्रामर की किसी भी बुक में पढ़ेंगे, इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है और अलग अलग कैटेगरी के द्वारा भी इनको दिखाया जाता है, तो वो ज्यादा इश्यू नहीं है। बस जिस लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ आप उस लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं, या किसी भी बुक में अगर आपने पढ़ा है इन दोनों को किसी और नाम से भी कहते हैं तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अब हम जो मेजर डिफरेंस है वो पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ टाइम का और टाइम एक्सप्रेशन का। भाई पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो कोई भी पर्टिकुलर टाइम जो होता है, पर्टिकुलर टाइम से मतलब है जब आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके कोई बात कह रहे हैं या किसी सिर्फ पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वही क्या होती है, एक विशेष स्थिति होती है, उसी को आप कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। तो पर्टिकुलर क्या क्या हो सकता है भाई, कोई भी पर्टिकुलर टाइम है, कोई भी पर्टिकुलर डेट है, कोई भी पर्टिकुलर मंथ है, कोई भी पर्टिकुलर आपका ईयर है, कोई भी पर्टिकुलर आप कह सकते हैं मोमेंट है, या पर्टिकुलर डे है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा माय डियर, पॉइंट ऑफ टाइम की कैटेगरी में आएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि मैं लंच 2 बजे करता हूं, तो आप बोलते हैं एट 2 PM। आपने कहा कि मैं मंडे को स्कूल जाऊंगा, तो आपने कहा ऑन मंडे। आपने कहा कि मैं पिछले साल या 2011 में मैंने हाई स्कूल पास करी थी, तो आप बोलेंगे इन 2010। अगर आपने 2010 में हाई स्कूल की थी तो आप उस सन का नाम बताएंगे जिस सन में आपने ये किया। इसी तरीके से आप कहने लगे आपने शाम को अखबार पढ़ा था या शाम को आपने चाय पी थी, तो आप बोलेंगे इन इवनिंग। इसी तरीके से आपने कहा आप लेट नाइट आए थे, तो आप नाइट लगाएंगे, तो क्या बोलेंगे माय डियर, एट नाइट। इसी तरीके से आप कल को बोले कि आप कल दिल्ली जाएंगे, तो आने वाले समय के लिए आप क्या लगाएंगे माय डियर, टुमारो लगाएंगे। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि मैं पिछले साल दिल्ली गया था, तो आप क्या बोल सकते हैं माय डियर, लास्ट ईयर बोल सकते हैं।
ऐसे बहुत सारे टाइम हैं जिनको आप पॉइंट करके कोई भी चीज क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये काम मैंने तब किया था, अब किया है या तब किया था। तो जब आप उसका पर्टिकुलर नाम बता देंगे तो वो किस कैटेगरी में आएगा माय डियर, वो आएगा पॉइंट ऑफ टाइम के कैटेगरी में। इसी तरीके से अगर मैं आगे थोड़ा सा आगे बढ़ूं और आपको डिफरेंस बताऊं किसका माय डियर, टाइम एक्सप्रेशन का, तो टाइम एक्सप्रेशन में क्या आता है, तो कोई भी टाइम टाइम एक्सप्रेशन तब कहलाता है जब उसके साथ दो कंडीशन फुलफिल हो। पहली तो ये कि टाइम एक्सप्रेशन में टाइम हमेशा पास्ट से स्टार्ट होता है, कुछ चीजें हिंदी में ही लिखनी ज्यादा बेहतर है ताकि आपको वो बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, वरना इस सेंटेंस को इंग्लिश में लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। टाइम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पास्ट, तो समय हमेशा पास्ट से स्टार्ट होगा। और माय डियर, इसमें जो समय है, जो समय दिया होगा, इसमें टाइम सिंस या फॉर के बाद दिया होगा, सिंस या फॉर के बाद दिया होगा। सिंस या फोर के बाद दिया होगा। तो दो ही कंडीशन है। अगर आप कह रहे हैं कि ये जो टाइम है ये टाइम एक्सप्रेशन है, तो अगर उसको आप टाइम एक्सप्रेशन कहना चाह रहे हैं किसी भी समय को, तो उसके लिए उस समय को दो कैटेगरी में फॉल होना बहुत जरूरी है। पहला कि वो टाइम हमेशा कब से स्टार्ट होना चाहिए, पास्ट से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा, वो जो टाइम है वो टाइम सिंस या फोर के बाद लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने कोई भी टाइम बोल दिया, उसके आगे ना सिंस लिखा ना फोर लिखा, और आपको लग रहा है कि भाई ये सिंस या फोर नहीं लिखा तो भी ये टाइम एक्सप्रेशन हो सकता है। तो ऐसा बहुत कम चांस है, एक दो केसेस होंगे, वो मैं आपको लेट यू नो कि कब वो चांसेस होंगे। दूसरी ध्यान देने वाली बात ये है कि सिंस और फोर के कई मतलब होते हैं, लेकिन सिंस या फोर टाइम एक्सप्रेशन से पहले तभी आएगा जब इसका हिंदी में मीनिंग क्या हो बाबूजी से। तो सिंस का मीनिंग और भी कुछ होता है भाई, जब से इसका मीनिंग होता है, क्योंकि इसका मीनिंग होता है, फोर का मीनिंग के लिए भी होता है, तक भी होता है, लेकिन जब भी सिंस या फोर का मीनिंग से होगा और उसके बाद कोई टाइम लिखा होगा, तो माय डियर वो किस कैटेगरी में आएगा, टाइम टाइम एक्सप्रेशन की कैटेगरी में होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो कि सिंस का प्रयोग कहाँ होता है और माय डियर फोर का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो मैं आपको बस हल्का सा इस और इशारा करके समझाऊंगा, बाकी आप खुद समझदार हैं। सिंस इसे कहते हैं माय डियर, ये होता है डेफिनेट टाइम से पहले, डेफिनेट टाइम से पहले। ये बचपन से आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा, लेकिन जनरल दिक्कत ये है कि जब आप डेफिनेट टाइम से पहले लिखते हैं तो आपको ये नहीं पता चलता कि कौन सा टाइम डेफिनेट टाइम होता है। और इसी तरीके से फोर का जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है इनडेफिनेट टाइम से पहले, इनडेफिनेट टाइम से पहले। अब ये इनडेफिनेट टाइम से पहले और डेफिनेट टाइम से पहले सिंस या फोर का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आधी दुनिया से भी मैं पूछूं कि कौन सा टाइम इनडेफिनेट है और कौन सा टाइम डेफिनेट है, तो वो आंसर नहीं दे पाएगी। तो मैं आपको सिंपल लॉजिक बता रहा हूं कि जब भी टाइम का नाम दिया हुआ हो, टाइम के नाम से पहले जब भी किसी टाइम का नाम दे रखा हो, तो उससे पहले आप सिंस लगाएंगे। जब भी टाइम का नाम दिया हो और जब भी टाइम काउंट किया गया हो, टाइम काउंट किया गया हो, तो आप उससे पहले फोर को लगाएंगे। मेरी बात समझिए, नाम से मतलब है, जैसे मैंने कहा मैं सुबह को दिल्ली जाऊंगा, तो सुबह आप मुझे बताइए रात के 10 बजे को सुबह कह सकते हैं? नहीं, सुबह को 10 बजे का मतलब है, सुबह का मतलब है एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम को आप क्यों कहते हैं, सुबह कहते हैं। अगर सूरज उग रहा है तो उस समय को आप रात नहीं कहते, सुबह कहते हैं। इसी तरीके से यदि सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर है तो आप उसे क्या कहते हैं माइटे, दोपहर कहते हैं, आफ्टरनून कहते हैं। तो उस टाइम का क्या नाम है, आफ्टरनून या दोपहर। जब शाम को सूरज छिपने वाला होता है उस टाइम का नाम है, उस टाइम का नाम क्या है माई डियर, शाम। इसी तरीके से आप कहें, आपने कहा कि भाई मैं मंडे को जाऊंगा, तो
मंडे उस दिन का नाम है। आज अगर मैं जैसे वीडियो बना रहा हूं तो आज के दिन का नाम क्या है, जैसे वेडनेसडे है, और कल के दिन का नाम क्या होगा, थर्सडे, और कल के दिन का नाम क्या था, ट्यूसडे। तो इस तरीके से नाम का क्या बता रहा हूं मैं, उसका टाइम का नाम बता रहा हूं। मंडे भी तो एक टाइम है ना, दिन का नाम है, आप उस टाइम पे उस काम को करेंगे, यानी कि मंडे को करेंगे। इसी तरीके से आपने कहा कि भाई मैं 2 बजे खाना खाऊंगा, तो अब आप बताइए कहीं पर भी सुई होगी तो आप 2 बजा देंगे, या जब एक पर्टिकुलर टाइम पे सुइयां आती है। मैंने कहा ये एक क्लॉक है, और एक क्लॉक में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, और ये 12। तो आप कहोगे जब छोटी सुई 2 पर और बड़ी सुई 12 पर होगी तभी तो आप कहोगे 2 बज रहे हैं, क्योंकि इस सिचुएशन का नाम है, इस सिचुएशन का नाम है 2 बजना। मैं यहाँ पे नहीं कह सकता कि 8:30 बज रहे हैं, नहीं कह सकता, क्योंकि ये 8:30 बजे का नाम नहीं है। तो इसी तरीके से जब भी उस टाइम का नाम दिया गया हो, आपने कहा मैंने हाई स्कूल 2011 में करी, अब क्या चल रहा है भाई, 2021 चल रहा है, तो 2021 को मैं कह दूं 2011, नहीं कह सकता, क्योंकि अब जो साल चल रहा है उस साल का नाम है 2021, और आपने हाई स्कूल जिस साल में करी थी उस साल का नाम है 2001 या 2011 या 2015। तो इसी तरीके से अब काउंटिंग देख लीजिए, आपने कहा मैं 4 दिनों से नहीं सोया, अब 4 दिन तो कोई नाम नहीं होता, बताओ 4 दिन कोई नाम होता है, 4 दिन कोई नाम नहीं होता, 4 दिन आप कैसे आए, 1 2 3 4, ऐसे आपने गिना टाइम को। तो जब आप टाइम को गिनेंगे तो लगाएंगे 4। जैसे आपने कहा कि मैं 4 दिनों से खाना नहीं खा पाया हूं, तो आपने 4 दिनों से खाना खाने की कोशिश करी, लेकिन आप 4 दिनों से उस काम को नहीं कर पाए। आपने ये नहीं बताया कि कौन से दिन से नहीं खा पा रहे हैं, आपने कहा 4 दिन से नहीं खा पा रहा हूं, तो आप गिन के बता रहे हैं। तो जब गिन के बताओगे तो आप लगाओगे 4 4 डेज। लेकिन अगर आप कहें कि मैंने संडे से खाना नहीं खाया, तो अब आपने गिन के नहीं बताया, अब आपने बताया कि दिन के कौन से दिन के नाम को बताया आपने, और उस दिन के नाम से आपने खाना नहीं खाया। जैसे आप कहने लगे, आपने कहा कि भाई मैं कई घंटों से मेहनत कर रहा हूं, तो कई घंटों से कभी नहीं बचते, इसमें कई घंटे कहाँ होते हैं आप मुझे बताओ, कहीं पे भी नहीं होते, क्योंकि कई घंटे से आप काम कर रहे हो, इसका मतलब है आप उसे गिन नहीं पा रहे, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। तो कई कई बार आते हैं, जब एक से ज्यादा चीजें हो जाए तब आते हैं कई। तो कई घंटों का मतलब है कि आपको ये नहीं पता कि किस घंटे से, कौन से नाम से, किस टाइम से आप उसको काम को कर रहे हो। तो जब आप कई दिन बोलोगे तो 4 लगाना पड़ेगा। लेकिन आपने कहा कि मैं 3 बजे से काम कर रहा हूं, तो 3 बजे एक पर्टिकुलर टाइम का नाम है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा माय डियर, सिंस लगाना पड़ेगा। तो ये मेजर डिफरेंस है, और अभी भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो पहले आप किसी बेसिक टीचर के पास जाके सिंस और फोर का डिफरेंस समझिए। तो बेसिक यही डिफरेंस है भाई, जो इनडेफिनिट टाइम है उससे पहले 4, और डेफिनेट टाइम है उससे पहले सिंस। ये एक बेसिक सी चीज है, अगर आप इससे भी नहीं पहचान पा रहे तो दुनिया में हर टाइम का एक नाम है, अगर वो नाम से बताया जाए तो सिंस लगा दीजिए, और अगर काउंटिंग से बताया जाए तो 4 लगा दीजिए, इससे आसान कोई तरीका नहीं। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको सिंस के देता हूं भाई, जैसे आपने कहा सिंस मॉर्निंग, आप बताइए किसी भी टाइम को मॉर्निंग कह सकते हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम का नाम है। अब मैं रात को जब 8:30 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं इसे रात बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा भाई आज रात को सुबह के 10:30 बज रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो माय डियर सिंस इसलिए लगाया इस मॉर्निंग से पहले, आप कहोगे सर मॉर्निंग का टाइम निश्चित तो है नहीं कि कभी, वो तो सुबह सूरज निकलने से 12 बजे तक कभी भी मॉर्निंग कर लो, बिल्कुल, लेकिन वो पूरा टाइम सुबह सूरज निकलने से लेके 12 बजने से पहले तक का वो पूरा टाइम किस नाम से जाना जा रहा है, मॉर्निंग के नाम से, तो इसीलिए वो उस टाइम का नाम है मॉर्निंग। ऐसे ही आप मॉर्निंग के अलावा क्या लिख सकते हैं, सिंस इवनिंग भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं। इसी तरीके से आप 2015 से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हाई स्कूल पास करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे नहीं हो रही 2015 से, अब 2015 एक साल का नाम है, ये क्या है, एक साल का नाम, आज के साल को आप 2015 नहीं कह सकते, क्योंकि 2015 एक साल का नाम है, इसीलिए उससे पहले क्या लगाया, सिंस लगाया। ऐसे ही आप कह सकते हो कि भाई मैं 12 बजे से पढ़ रहा हूं, तो सिंस 12 PM, तो आप कह सकते हो मैं 12 बजे से पढ़ रहा हूं, अब मैंने 12 लगा दिया, 12 के बाद PM भी लगा दिया, तो एक टाइम का नाम हो गया, नहीं हो गया, तो जब एक टाइम का नाम हो गया तो तुरंत इससे पहले क्या लगा दिया, मैंने सिंस लगा दिया। इसी तरीके से आप कह सकते हो माय डियर
कोई भी काम है जो फोर के, अगर आप फोर से कहना चाहें तो फोर से भी कह सकते हैं, वहां पे क्या जाएगा, काउंटिंग आ जाएगा बस भाई। जैसे आपने कहा फोर थ्री आवर्स, फोर थ्री आवर्स, अब आप बताओ थ्री आवर्स कब होंगे, आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कौन से थ्री आवर्स की मैं बात कर रहा हूं। हाँ अगर मैं कहता 3 बजे से तब सिंस लग जाता, क्योंकि 3 1 घंटे का टाइम है, लेकिन 3 घंटे से, 3 घंटे से कोई नाम नहीं है टाइम का, तो इसीलिए इससे पहले क्या लगेगा बाबू, 4 लगेगा। ऐसे ही आप करें कि कई सालों से मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं, तो कई साल क्या होते हैं मुझे तो पता नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, फोर मैनी ईयर्स, फोर मैनी ईयर्स, कई सालों से। ऐसे ही आप कहें कई दिनों से मैं नहाया नहीं हूं, सर्दी बहुत है, तो फोर मैनी डेज, भाई कितने दिनों से, तो ये काउंट करके तो आएंगे। अब मैनी डेज किसी दिन का नाम है नहीं है, बात समझना ही। तो माय डियर, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो वो एक बार क्या कर सकता है, इस पूरे सीरीज को या इस पूरी वीडियो को दोबारा देख सकता है 2x पे या 1.5x पे, आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर आप नोट्स बनाएंगे और उन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगी। लेकिन फिर भी आपका यदि कोई डाउट रह जाता है या कोई ऐसी बात है जो आप पूछना चाहते हैं आपको उतनी क्लियर नहीं हुई है, तो आप नीचे कॉमेंट में लिख के भी बता सकते हैं। मगर हमें लगेगा कि ज़्यादा बच्चों को समझ में नहीं आई है तो हम उसका एक और पार्ट दोबारा से रिवाइज कर देंगे और अच्छे तरीके से, लेकिन मेरे हिसाब से सफिशियंट है, इससे ज़्यादा इसको समझने में कुछ है नहीं। अब एक डाउट जो बच्चों को यहाँ पर आता है वो ये आता है कि सर इधर भी आपने 2 PM लिख दिया, मंडे भी लिख दिया, 2010 भी लिख दिया, इवनिंग भी लिख दिया, और आपने यहाँ पे भी इवनिंग लिख दिया सिंस के साथ, सिंस के साथ भी ईयर का नाम लिख दिया। चलो कंफ्यूज ना हो, मैं इसे भी 2010 ही कर देता हूँ, कि उधर भी 2010 कर दे, इधर भी 2010 कर दिया, इधर भी 2 बजा देता हूँ, यहाँ 2 बज रहे हैं ना, यहाँ 2 बज रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 बजा देता हूँ, कि 2 यहाँ पे ही बज रहे हैं तो टाइम एक्सप्रेशन हो गया, यहाँ पर भी 2 बज रहे हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, यहाँ पर 2010 आ रहा है, यहाँ पर भी 2010 आ रहा है, लेकिन यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, आपने इसे यहाँ टाइम एक्सप्रेशन बता दिया, तो ऐसा कब, मुझे कैसे पता चलेगा क्या पॉइंट ऑफ टाइम है और क्या टाइम एक्सप्रेशन है। बिल्कुल बेसिक बात है, अगर किसी भी टाइम के आगे, जैसे 2010 है 2 बज रहे हैं, इसके आगे सिंस लगा हुआ है या किसी भी टाइम के आगे 4 लगा हुआ है, तो वो डियर माई कैटेगरी किस में आ जाएगा, टाइम एक्सप्रेशन की कैटेगरी में। लेकिन यदि सिंस या 4 के अलावा और कोई भी प्रीपोजिशन लगी हुई है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम की कैटेगरी में चला जाएगा। जैसे आप बात करेंगे तो यहाँ 2 PM के आगे क्या लगा हुआ है, प्रीपोजिशन एट, तो एट लग गया, ना तो ये सिंस है ना ये 4 है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम की कैटेगरी में है। लेकिन यदि इसी 2 PM के आगे मैंने सिंस लगा दिया तो ये किस कैटेगरी में फॉल हो जाएगा, माय डियर टाइम एक्सप्रेशन की कैटेगरी में फॉल हो जाएगा। ऐसे ही इवनिंग लिखा हुआ है, इवनिंग के आगे इन लग गया तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके आगे सिंस लग गया तो ये टाइम एक्सप्रेशन है। ऐसे ही 2010 साल का नाम है तो सिंस लग गया माय डियर, लेकिन सिंस लगने से ये क्या हो गया, टाइम एक्सप्रेशन, लेकिन इसी 2010 के आगे इन लग गया तो माय डियर ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर है, मेरे हिसाब से अब समझ में आ जाना चाहिए। चलो अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक हल्का सा आपको ब्रीफिंग देता हूं, आपको समझ में आएगा। अब मैंने एक टाइम लिखा, जैसे मैंने कहा आई हैव बीन प्लेइंग, I have been playing since Monday. मैं सोमवार से खेल रहा हूँ और अभी तक थका नहीं हूँ। अजीब लगेगा सेंटेंस के मंडे से खेल रहा हूँ कैसा जेतु का सेंटेंस है, लेकिन आपको मैं बस पहचान करा रहा हूँ कि ये क्या है। तो अब देखिए मंडे एक दिन का नाम होता है और दिन का नाम होने के कैसे पहले इसके आगे क्या लगेगा माय डियर, सिंस लगेगा। तो मैं कह सकता हूँ इस टाइम के पहले सिंस लगा हुआ है तो ये किस कैटेगरी में आएगा माय डियर, टाइम एक्सप्रेशन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आपने कहा कि आई विल गो टू दिल्ली, आई विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, मैं दिल्ली कब जाऊंगा, मंडे को जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे। तो अब आप देखेंगे इस मंडे के आगे आपने किसको लगाया, ऑन को। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है जो सिंस और फोर से अलग है,
जब वो सिंस और फॉर से अलग प्रीपोजिशन देगा तो यही मंडे यहां पर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे, आ रही है समझ में? जब उसी मंडे के आगे सिंस लग गया तो वो टाइम एक्सप्रेशन है, और उसी मंडे के आगे और कोई प्रीपोजिशन लग गई तो ये क्या है माय डियर, पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो अब आगे मैं आपको इन सब चीजों को जितना आपने पढ़ा, आप सोच रहे होंगे कि यार YouTube पे जितनी वीडियो पढ़ी हुई है उनमें इतनी अच्छी क्वालिटी है, इतना अच्छा बोर्ड है, इतना अच्छा स्मार्ट टीचर है, बढ़िया टी शर्ट पहन के पढ़ा रहा है और उसके पास सब कुछ है, वहां पे तो आते ही डायरेक्ट क्या करने लगता है, एरर पढ़ाने लगता है, ये कैसा टीचर है, इतनी देर हो गई एरर अभी तक नहीं पढ़ाया है, पता नहीं क्या टाइम एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ टाइम पढ़ाया जा रहा है। तो माय डियर, झोपड़ी बनाने में बिल्कुल कम समय लगता है और आप महल बनाने के ख्वाब देख रहे हो तो थोड़ा समय तो लगता है भाई। तो आगे देखिए, मैं बेसिक आपको छोटी सी बात बता दूं कि अब हम चलेंगे अपने मेजर पार्ट की तरफ। अभी आपने अपनी जो है नींव भरी है, अब उस पर थोड़ा सा मकान का निर्माण करते हैं। तो मैं आपको एक गोल्डन फॉर्मूला लिखवा रहा हूं जो आपको थोड़ा सा याद रखने हैं। गोल्डन फॉर्मूला है, ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आपको लगेगा कि चीजें शायद रटने वाली हैं। देखिए आप जो यूपी बोर्ड से या स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे हैं उनकी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं होती कि उन्हें डायरेक्ट मैं एकदम ये बता दूं कि भाई ऐसे देखोगे तो एरर निकल जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आपको आपने बचपन से ग्रामर पढ़ी है लेकिन ग्रामर होने के बावजूद भी आपकी ग्रामर उस लेवल पे नहीं है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को सॉल्व कर सके। तो पहला जो तरीका है वो है पेज बनाने का, और ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने जिंदगी में कभी ग्रामर नहीं पढ़ी। अगर आपको थोड़ी बहुत ग्रामर आती है तो आप किसी अच्छे एजुकेटर की वीडियो देख सकते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। पहले मैं क्योंकि अभी सिर्फ उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ जिन्हें इंग्लिश से इतना डर लगता है, जिनको समझ में नहीं आता ग्रामर क्या चीज़ होती है। तो माय डियर वही बच्चों के लिए ये पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एडवांस लेवल पे जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ जिन्हें डर लगता है उन्हें इंग्लिश पढ़ने में मजा आने लगे थोड़े बहुत। तो थोड़ी चीज़ें रटने का पार्ट रहेंगी लेकिन वो रटना भी एक दिन अंडरस्टैंडिंग में बदल जाएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ पहले रटना ही ज़्यादा अच्छा था। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक टेंस होता है माय डियर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और एक टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन दोनों ही काम की खासियत क्या है, इन दोनों ही टेंस की खासियत यह है कि दोनों में ही कार्य चल रहा है, दोनों में ही कार्य चल रहा है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, दोनों में ही कार्य चल रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अब आपको देखो बचपन से ये चीज पढ़ते रहे हो, अगर ये भी नहीं आ रही है तो फिर आपको दोबारा से 9th प्लस 10th क्लास की बुक पढ़नी चाहिए, इज आर एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इज आर एम के साथ आपको वर्ब प्लस आईएनजी यूज करनी पड़ती है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ Has been, have been, plus verb की ing form use करनी होती है। आगे बात करें my dear, दूसरे नंबर पर जो tense आता है that is past continuous, and second is past perfect continuous। इन दोनों की ही क्या खासियत है, दोनों में ही कार्य चल रहा था, दोनों में ही कार्य चल रहा था, एक्शन वॉज गोइंग ऑन। ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है इसमें वॉज आता है माय डियर और वर आता है, और इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ये जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है इसमें झंझट कम है, सबके साथ हैड बीन आता है प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इसके बाद ही हम आगे चलें तो टेंस आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, और इसी के साथ टेंस आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और इन दोनों की ही खासियत क्या है कि इन दोनों में ही कार्य चल रहा होगा,
एक्शन विल बी गोइंग ऑन, पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आप बचपन से पढ़ते आए हैं विल बी और शैल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और माय डियर फ्यूचर परफेक्ट में और आसान है विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो माय डियर ये तीन टेंस और तीन की जगह मैंने क्या कहा छह टेंस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं आपके बोर्ड पर। तो आप इन गोल्डन फॉर्मूलाज को पहले से ही जानते हैं, इसमें गोल्डन जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन गोल्डन ये इसलिए है क्योंकि यहीं से आपको एक चीज पता चलेगी कि कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस हो भाई, टोटल 12 टेंस होते हैं और 12 में से जो छह टेंस है वो माय डियर कैसे होते हैं, माय डियर वो होते हैं कहीं ना कहीं छह कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं। और इन छह कॉन्टिन्यूस टेंस को मैंने आपके बोर्ड पर लिख दिया है और इन छह कॉन्टिन्यूस टेंस को आप कहीं ना कहीं हमेशा एक चीज से याद रखेंगे कि आपका कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट का है चाहे वो पास्ट का है, उसमें एक बात कॉमन है कि वो बिना आईएनजी फॉर्म की नहीं बनता। चाहे वो कोई सा भी कॉन्टिन्यूस टेंस है, यदि कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस है तो उसमें आपको आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना ही करना पड़ेगा। और यदि आप किसी भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म को दिखाना चाहते हैं तो वो बिना आईएनजी फॉर्म के नहीं बनेंगी। तो आप एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे कि आपको आधे से ज़्यादा दिक्कत तो यही रहती है कि भाई किस तरीके से मैं याद रखूँ कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, कहाँ पर सेकंड फॉर्म, कहाँ पर थर्ड फॉर्म और कहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगाऊँ। तो आप पहले तो ये बात तय कर लीजिए, बिल्कुल निश्चित है कि कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस है तो वो किसके बिना नहीं बनता, माई डियर आईएनजी फॉर्म के बिना नहीं बनता। और आप कुछ बच्चों को ऐसी जड़ी बूटी भी चाहिए होती है जो वो चाहते हैं कि उन्हें ये भी याद हो जाए कि वाज पास्ट में आता है और विल फ्यूचर में आता है। तो ऐसे जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो एक काम करें, अपने पापा के साथ कल से कहीं काम पे जाएं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आएगा कि उन्होंने अपनी 12वीं तक का जो पूरा एग्जाम है वो जीरो कर दिया। लेकिन फिर भी अगर आप हिम्मत मारना चाहते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि इज एम आर पास्ट को डिनोट करते हैं, वाज वर सॉरी प्रेजेंट को, ये पास्ट को, और विल बी शैल बी तो बचपन से पता है कि फ्यूचर को डिनोट करते हैं। इधर इसकी परफेक्ट वाली फॉर्म आ जाती है जो आपके सामने लिखी हुई है। अब कुछ बच्चों को दिमाग में दर्द होगा कि सर दोनों में ही कार्य चल रहा है, दोनों में ही कार्य चल रहा था, दोनों में ही कार्य चल रहा होगा, तो फिर अंग्रेजों को या जिन्होंने भी ग्रामर बनाई तो उनके सिर में दर्द था कि कार्य चल रहा होगा तो भी दो सेंटेंस बनाए, कार्य चल रहा था तो भी दो सेंटेंस बनाए, दो भी टेंस दिए, और कार्य चल रहा है तब भी दो टेंस दिए। ऐसा क्या उन्हें बच्चों से मजे लेने थे? नहीं, इन दोनों में कुछ अंतर है। दोनों में कार्य तो चल रहा होगा, चल रहा था, चल रहा है, लेकिन माय डियर इन दोनों को यूज करने के लिए अलग अलग सिचुएशन होती है। और वो अलग अलग सिचुएशन इसलिए क्रिएट होती हैं क्योंकि जब आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जब आप बात करते हैं, तो आपको अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बात बोलनी होती है। और टेंस का निर्माण इसी तरीके से हुआ है कि जितनी भी बोलने की सिचुएशंस हैं उनको 12 कैटेगरीज में क्या कर दिया गया है, टेंस में डिवाइड कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस है वो बिना आईएनजी फॉर्म के नहीं बनेगा, और इज आर एम, वाज वर, विल बी, शैल बी, इससे आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा पास्ट है, कौन सा प्रेजेंट और कौन सा फ्यूचर। अब बात आती है पास्ट परफेक्ट की। अगर परफेक्ट होता है तो कभी भी हैव बीन, हैज बीन के बिना नहीं बनता। ये हैव की पास्ट फॉर्म है और हैव बीन यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो अब आगे बात करते हैं कि इन दोनों टेंस में क्या डिफरेंस होता है, चाहे वो पास्ट का कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। तो भाई गोल्डन रूल की बात करते हैं। अब देखिए मैंने आपको कहा, तो अब मैं कह रहा हूं अगर कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस है और उस कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ आपको टाइम एक्सप्रेशन दे दिया जाए, कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस है और उसके साथ आपको टाइम एक्सप्रेशन दे दिया जाए, तो ये कहते हैं वो बराबर होगा किसके, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है। कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस है और उस कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ आपको उस सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेशन दे दिया जाए, ये प्लस का निशान होगी। दो अगर किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ आपको टाइम एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो वो बराबर होता है माय डियर किसके, वो बराबर होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के। इसका मतलब है यदि कोई पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन दे दिया तो वो चेंज हो जाएगा किस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इसीलिए मैंने इसके आगे टाइम नहीं लिखा कि कौन सा कॉन्टिन्यूस टेंस, जोन से कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन होगा उसी के वो किस में चेंज हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। जैसे इस बात को मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, एक बार इस एग्जाम्पल को मैं आपसे समझाता हूँ। जैसे आपने कहा आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे आपने आई लिखा, आई के साथ एम लिखा और आप जानते हैं इस आई एम के साथ क्या आता है माय डियर, वर्ब की आई एन जी फॉर्म आती है, और आपने कहा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो ये सेंटेंस नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं, बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस है जैसे एक सेंटेंस को होना चाहिए। लेकिन दिक्कत कब आएगी, दिक्कत तब आएगी जब इस सेंटेंस में वो दे दे आई एम प्लेइंग क्रिकेट और आगे वो लिख दे आई एम प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। उसने क्या लिख दिया माय डियर, आई एम प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब देखो अभी आप सोचो कि मैंने ये वाला पार्ट लिखा नहीं, अभी आप मानो कि आपने ये वाला पार्ट नहीं लिखा, इसका मतलब मैंने अभी बताया कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं सिंस मॉर्निंग लिखूंगा तो सिंस मॉर्निंग का मतलब हो जाएगा सुबह से। क्या मतलब हो जाएगा जी, सुबह से। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो अब इसका मतलब तो आप जानते हैं, ये तो मैंने लिखा नहीं है, आप कह रहे हो इसका मतलब है मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट। अब आपने इसमें एक और बात ऐड कर दी, सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब आप मुझे छोटी सी बात बताइए, क्या मुझे इस आगे वाले सेंटेंस में कुछ चेंज करने की जरूरत है इसकी वजह से? अब आपको सोचना है कि भाई अब मैंने बस यही तो लिखा, इसका मीनिंग तो अभी भी वही है, मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट और आगे आपने ऐड कर दिया सुबह से, तो आपने बात को बढ़ाया ही, तो उसमें चेंज करने वाली या समस्या होने वाली क्या बात है? तो माय डियर यही वो सेपरेशन है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से अलग करता है। तो हमारा नियम ये कहता है कि यदि कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस दे रखा है और उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन आ जाए तो वो सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। अब आपको मैंने अभी पहले जो डिफरेंस बताया है सिंस का और फॉर का और पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन का, उसमें आपने क्या पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा कि यदि कोई भी समय दिया हुआ है उस समय से पहले यदि सिंस आ गया तो सिंस क्या बना देता है उसको, टाइम एक्सप्रेशन। क्या बना देता है उस टाइम को, टाइम एक्सप्रेशन। और आप जानते हैं ये जो सेंटेंस है ये कैसा सेंटेंस है भाई, कॉन्टिन्यूस। क्यों है कॉन्टिन्यूस, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म सिर्फ कौन से टेंस में आएगी, कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगी। तो आप ध्यान से देखिए कि एक तरफ तो कॉन्टिन्यूस टेंस है और एक तरफ आपको क्या दे रखा है, टाइम एक्सप्रेशन। और नियम क्या कह रहा है, किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ यदि टाइम एक्सप्रेशन आ गया तो सेंटेंस किस में चेंज होएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ अगर सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेशन आ गया तो ये किस में चेंज हो जाएगा माय डियर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, एम लगा हुआ है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी किसका बनेगा माय डियर, प्रेजेंट का बनेगा। ऐसे कभी नहीं करना कि प्रेजेंट का दे रखा और पास्ट परफेक्ट बना दो, ऐसा कभी नहीं। तो अब आपको पता है कि टाइम एक्सप्रेशन और कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ आने से सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहता है कि मैं अपने साथ एम को नहीं लेता, मैं अपने साथ लेता हूं हैव बीन को। तो सेंटेंस करेक्ट क्या होगा, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो भाई एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं, हो सकता है आपको ये बात समझ आ गई हो।
अगर समझ नहीं आई है तो दोबारा रिपीट करके वीडियो को देखें और बार बार देखें जब तक कि आपको समझ ना आए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट में लिख के हमें बताएं, ताकि अगली बार जब हम ऐसा कोई डाउट हो तो हम उस पर और ज्यादा काम कर सकें। एक और सेंटेंस देख लीजिए, जैसे they are reading the magazine, they are reading the magazine for 3 hours। अब आप देखिए सेंटेंस को, वो मैगजीन को 3 घंटे से पढ़ रहे हैं। अब आप देखेंगे आर रीडिंग दिया हुआ है, तो इससे तो ये कंफर्म हो गया कि ये कैसा टेंस है, भाई कंटीन्यूअस टेंस है। आप इस कंटीन्यूअस टेंस का टाइम में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आर लगा हुआ है तो ये कौन सा कंटीन्यूअस है, माय डियर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। लेकिन आप आगे गए, आपने सेंटेंस को आगे पढ़ा तो आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर 3 आवर्स। और मैंने आपको बताया जब भी सिंस या फोर से पहले कभी भी क्या आ जाए माय डियर, टाइम जब भी किसी टाइम से पहले सिंस या फोर आ जाए तो वो टाइम क्या बन जाता है माय डियर, टाइम एक्सप्रेशन बन जाता है। और आप अगर याद करेंगे तो मैंने आपको कहा था कि टाइम एक्सप्रेशन की 2 क्वालिटी होती हैं, वो 2 कंडीशन फुलफिल जरूर होंगी। एक तो ये कि टाइम हमेशा पास्ट से स्टार्ट होता है। अब आप खुद बताइए, वो मैगजीन पढ़ रहे हैं 3 घंटे से। अब आप बताइए अगर कोई व्यक्ति किसी काम को 3 घंटे से कर रहा है तो उसने करना उसे कब शुरू किया गया होगा, 3 घंटे पहले, यानी कि उसको काम जो शुरू हुआ होगा वो कब शुरू हुआ होगा, पास्ट में। मैं आपसे कहूँ मैं आपको 10 सालों से जानता हूँ तो आपको जानना मैंने कब शुरू किया, 10 साल पहले। तो यानी कि जब भी कोई टाइम एक्सप्रेशन कहीं पर दिखा होगा तो इसका मतलब है टाइम स्टार्ट कब से हुआ होगा माय डियर, पास्ट से। जैसे मैं कहूँ मैं 1 घंटे से या 1/2 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने पढ़ाना कब शुरू किया होगा, 1/2 घंटे पहले। और गया हुआ कोई भी टाइम हमेशा ही क्या होता है, पास्ट। और दूसरी पहचान क्या थी, दूसरी पहचान ये थी कि सिंसिया फोर हिंदी में मीनिंग देते हैं किसका बाबू जी, से का। आप कितने भी जोर लगा लो लेकिन इस फोर का मीनिंग से आएगा। वो मैगजीन पढ़ रहे हैं 3 घंटे के लिए, 3 घंटे तक, 3 घंटे को या 3 घंटे से। आप जब भी कोशिश करेंगे तो इसका मीनिंग क्या आएगा, से। अब जैसे यहां पढ़ रहे थे सिंस मॉर्निंग, आप यहां पर भी देखिए आप कह रहे हो मैं क्रिकेट खेल रहा हूं सुबह तक या सुबह से, इसका मीनिंग भी यहां पर क्या आएगा माय डियर, से आएगा। तो जब भी टाइम एक्सप्रेशन की जगह सिंस और फोर लगेगा तो उसका मीनिंग हमेशा हिंदी में क्या आएगा, से आएगा। तो अब आपने देखा कि एक कॉन्टिन्यूस टेंस है और यहां पर क्या है माय डियर, टाइम एक्सप्रेशन। क्योंकि जब भी किसी टाइम से पहले सिंस या फोर होगा तो वो किस कैटेगरी में आएगा, टाइम एक्सप्रेशन की कैटेगरी में। और ये तो हमने अभी पढ़ा, कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस है और उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन आ जाए तो वो क्या बन जाता है भाई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है। और कौन सा टाइम का कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट का, तो किस में चेंज होगा माय डियर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहता है कि भैया मैं अपने साथ आर नहीं लेता हूं, मैं अपने साथ लेता हूं हैव बीन, मैं अपने साथ क्या लेता हूं, हैव बीन। तो दे हैव बीन रीडिंग दिस द मैगजीन फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से मैगजीन को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप एक और एग्जांपल लेके मैं अपने इस वीडियो को यहाँ पर एंड करूंगा। आपको मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत अच्छे से ये समझ में आए, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सिर्फ प्रेजेंट के लिए है, आप इसे पास्ट में भी बना सकते हैं। जैसे आपके सामने मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कहते हैं he was watering the plant, he was watering the plant since 2 p.m. when I visited his home, या his house। अब आप देखिए वो पौधों में पानी डाल रहा था 2 बजे से जब मैं उसके घर गया। तो जब मैं उसके घर गया
वो पौधों में पानी 2 बजे से डाल रहा था। तो अब आप देखिए, जब वो 2 बजे से पानी डाल रहा था, तो अब आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर क्या है माय डियर, वो उसके साथ आईएनजी फॉर्म दे रखी है। इट मींस ये कौन सा टेंस है माय डियर, पास्ट कंटीन्यूअस। और यहाँ पर आप देखेंगे 2 PM के आगे क्या लिखा हुआ है, सिंस, तो ये क्या हो गया माय डियर, ये हो गया टाइम एक्सप्रेशन। और आप जानते हैं किसी भी कंटीन्यूअस टेंस के साथ किसी भी टाइम एक्सप्रेशन आ जाए तो वो क्या बन जाता है माय डियर, परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाता है, अभी तो पढ़ा। और कौन से टाइम का कंटीन्यूअस बन जाता है, जो टाइम दे रखा है। तो ये क्या बन जाएगा भाई, क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस के साथ टाइम एक्सप्रेशन दे रखा है, तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहता है कि मुझे बात से कोई दिक्कत है, मुझे तो इसकी जगह पे हैड बीन चाहिए। तो ही हैड बीन वॉचिंग द, ही हैड बीन वॉटरिंग द प्लांट सिंस 2 PM व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस। तो भाई आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। आप इसको अगर नहीं समझ आया है तो एक बार दोबारा देखिएगा, और अगली क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको फिर आगे से स्टार्ट करेंगे। और फिर जब पूरी क्लास ये टेंस की ख़त्म हो जाएगी तो एक मैं आपको पूरी रिवीजन क्लास दूंगा, जिससे आपके जो भी छोटे मोटे डाउट रह गए होंगे या जो आपने मुझे देखा होगा और नहीं समझ में आए होंगे, तो आपको फिर वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दूसरी मेजर बात, आप ऐसा कभी मत करिएगा कि पार्ट टू पहले देख लो, पार्ट वन बाद में। ये आपको प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीरीज से मिल जाएंगे पूरे लेक्चर, तो पहले पार्ट वन देखें फिर पार्ट टू में आए, तभी आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आएगी। देखिए थोड़ा मुश्किल होता है ऑनलाइन चीज़ों को समझना समझाना, और जो फिजिकल से एक फिजिकल एटमोसफेयर होता है जिसमें आपको हमदम डाउट पूछने की आदत होती है और आपको एकदम डाउट क्लियर होता है। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम डाउट के साथ आपकी ये वीडियो कंप्लीट हो पाए, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, और फिर आप चाहें तो वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं। लेकिन वीडियो को जब देखें तो सीरीज से देखें, पहले पार्ट वन फिर पार्ट टू, क्योंकि ये कोई नियम तो है नहीं इस तरीके से कि अभी मैथ का नियम है अगर आप बीच बुक में भी पढ़ोगे तो वो वहीं से शुरू होगा, ऐसा नहीं है। तो इट जस्ट अ लैंग्वेज, तो आपको इसको सीरीज से ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप उसको उसी तरीके से पढ़िए और समझ में समझने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी और आप अच्छा स्कोर भी करेंगे, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो आज के लिए इतना ही माय डियर फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप अब आराम से अपने आप को कभी भी आराम में ले जा सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।